हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग में। दोस्तों, सभी से एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने बेस थ्योरम लेके प्रेजेंट हैं और बेस थ्योरम आज आपको समझाएंगे। इससे पहले भी हमने आपको बेस थ्योरम से एसोसिएटेड एक थ्योरम होती है, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, वो इससे के पिछले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं। और यहाँ पे एक वर्ड आया है पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस, तो पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस हम उससे भी पहले बता चुके हैं। तो पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस और टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग टोटल प्रोबेबिलिटी और पार्टीशन नहीं पढ़े होंगे तो बेस थ्योरम आपको समझना मुश्किल है, समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी, समझ में नहीं आएगी चीज़ें कैसे क्या हो गया। तो इसके लिए आपको बेस थ्योरम और पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस और टोटल प्रोबेबिलिटी जरूर पढ़िएगा, तभी आपको बेस थ्योरम समझ में आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक सैम्पल स्पेस बना लिया है छोटा सा, ये सैम्पल स्पेस है, इसमें ये बहुत सारी ऐसे ये सैम्पल स्पेस है, ये सब क्या है आपके पार्टीशन है और इसमें एक ये इवेंट है ए। मैंने पहले भी आपको बताया फर्स्ट वीडियो में पार्टीशन में कि हम एक एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ का, जो एग्जांपल हमारा कंटिन्यू साथ में चलता रहेगा। जब हमने पार्टीशन बताया तो वहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल बताया था कि एक कोई पिता है, उसके तीन बेटे हैं और उन जिस घर में वो सभी लोग रहते हैं एक साथ, शादी होने के बाद सब अलग अलग रहने लगते हैं, तो सभी के उसी घर में क्या करते हैं, तीन पार्ट कर दिए जाते हैं, तीनों में एक एक बेटे रहने लगते हैं, तो वो होता है पार्टीशन। फिर उसके बाद हमने जिक्र की थी कि उन तीनों बेटों में से किसी का भी एक बेटे का क्या है बर्थडे है, यानी कोई सेलिब्रेशन है, तो वो तीनों भाई उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और साथ में जो पिता यानी सैम्पल स्पेस वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो ये तो हमने बात कर ली वहाँ पर। तो जैसे अभी हमने टोटल प्रॉब्लम में क्या था कि जैसे तीन बेटे हैं, तीनों का किसी भी एक के बेटे का बर्थडे है और वो सेलिब्रेशन कर रहा है, तो वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाले थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि जो बर्थडे हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड किए थे एसोसिएटेड विद एस। अब उसी बर्थडे में थोड़ी सी कंडीशन और लगा दी जाए तो वही क्वेश्चन या वही थ्योरम कन्वर्ट किस में हो जाएगा, बेस थ्योरम में। अब देखिएगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम पर बात की थी कि ये आपका कोई सैम्पल स्पेस के तीन पार्ट हो गए, ये हो गया पार्टीशन। अब इन तीनों में से कोई भी किसी का भी एक बेटा है, उसका बर्थडे हम लोग चाइल्ड है उसका बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो इसके सेलिब्रेशन में ये और खुद एस यानी कि जो ग्रैंडफादर हो गया इस एक के लिए जिसका ये बर्थडे है उस चाइल्ड के लिए, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो पार्टिसिपेशन की प्रॉबर्टी फाइंड की तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए थे पी ए से, और ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई है। अब बेस थ्योरम में क्या होते हैं कि जो बर्थडे सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं इस ए का, इसमें एक कंडीशन ये दे देते हैं कि ये जो चाइल्ड है ए वो या तो इसका फर्स्ट बेटे का होगा या सेकंड का होगा या फिर थर्ड का होगा। अब आपसे इसमें क्या पूछेंगे कि जो बर्थडे सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं वो सेकेंड नंबर वाले बेटे का बेटा है, सेकेंड नंबर वाले बेटे का बेबी है, या फर्स्ट नंबर वाले बेटे का चाइल्ड है या थर्ड नंबर वाले बेटे का चाइल्ड है, तो जब ये कंडीशन लग जाएगी तो वही क्वेश्चन आपको किस में चला जाएगा, बेस थ्योरम में चला जाएगा। और अगर केवल उसके बर्थडे सेलिब्रेशन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो वही क्वेश्चन किस में रहेगा आपका, टोटल प्रोबेबिलिटी में रहेगा। तो ये डिफरेंस है टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में। चलिए हम इसको प्रूफ करके आपको बताते हैं। ठीक है, अगर ये मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम लोग जब क्वेश्चन भी करेंगे तो वहाँ पर हम आपको कुछ बताएंगे कि बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। बस वही है कि लास्ट में हमें जो भी पार्टीशन मिल रहे हैं और जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, लास्ट में उस पार्टीशन को भी इंक्लूड कर लें, तो बेस थ्योरम है, और पार्टीशन को इंक्लूड ना करें तो टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। प्रूफ में क्या मिलेगा आपको, बी है वाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो कि हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, इसको बता चुके हैं, वीडियो भी उस पर बनाया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम ये इसकी ये आ रहा है हमारा लेफ्ट साइड, तो इसी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो पी ई आई अंडर कंडीशन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई अपॉन पी ए। ये आपको कहाँ से मिल गया दोस्तों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मिल गया ये। अब यहाँ पे हम लोग अगर यूज कर लें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, तो यहाँ दिखा देते हैं हम लोग बाई
मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई को प्रॉपर्टी ऑफ ई आई डॉट प्रॉपर्टी ऑफ ए अंडर कंडीशन ई आई, ये किसके मिल किससे मिल जाता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से। तो हमने यहाँ पे देखा कि प्रॉपर्टी ऑफ ई आई अंडर कंडीशन ए इज इक्वल टू, इसके जगह हम लोग क्या यूज कर लिया जाएगा, पी ई आई डॉट पी ए अंडर कंडीशन ई आई। अब आपके पास पता है अपॉन इसकी जगह क्या लिखेंगे, वाई टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या मिलता है, पी ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई एन जे इज इक्वल टू वन टू एन पी ई जे डॉट पी ए अंडर कंडीशन ई जे। तो ये चीज यहां पे आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉरी पी ए की जगह आ जाएगा ये समेशन ऑफ आई एन जे इक्वल टू वन टू एन पी ई जे डॉट पी ए अंडर कंडीशन ई जे। ये आपका हो गया बेस थ्योरम हो गया। अब दोस्तों अगर इसी पे आपसे कहा जाए कि नहीं आपको फार्मूला बनाने, यहाँ पे भी जनरल है, ये आई आ रहा है यहाँ पे आई है, यहाँ आई है, यहाँ पे जे है, हर जगह, तो जनरल फार्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग उसके लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जनरल कुछ बात कर लिया जाए। देखिए दोस्तों, देखिए आप सपोज दैट अगर हम ये मान लें कि वी हैव e1, e2, e3 एनी थ्री पार्टीशन, इनको हम लोग क्या मान लिए, ये तीन पार्टीशन है। तो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर सपोज दैट फाइंड करनी है पी ई टू अंडर कंडीशन ए, आगे जगह क्या पुट कर लिए हम लोग, टू पुट कर लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी टू अंडर कंडीशन ए, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी ई टू, देखिए आई यहाँ था, यहाँ पे आई है तो टू पुट किया, तो यहाँ भी टू हो गया, तो पी ई टू डॉट पी ए अंडर कंडीशन ई टू आई, तो पी ए अंडर कंडीशन ई टू अपॉन इसको मत देखिए, यहाँ देखिएगा पी ए, पी ए का मतलब क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या मिल जाएगा आपको, पी वन डॉट पी ए अंडर कंडीशन ई वन प्लस पी टू डॉट पी ए अंडर कंडीशन ई टू प्लस कितनी इवेंट है यहाँ पे थ्री, तो पी ई थ्री डॉट पी ए अंडर कंडीशन ई थ्री, ये इसके लिए फार्मूला हो गया। अगर यहाँ पे आपको निकालना होता पी ई वन अंडर कंडीशन ए, तो यहाँ पे ई वन हो जाता, यहाँ पे ई वन हो जाता, और ये डिवाइड में जो आ रहा है ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ रहा है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, कब, जब आपकी ई वन ई टू ई थ्री तीन क्या है आपके पार्टीशन है। अगर यहाँ पे चार पार्टीशन की बात कर लिया जाए, ई वन ई टू ई थ्री और ई फोर, अब यहाँ पे सैम्पल स्पेस कितने पार्टीशन हो गए, चार पार्टीशन हो गए, तो चार पार्टीशन में क्या होगा कि यहाँ पे चौथा पार्टीशन के लिए आ जाएगा पी ई फोर डॉट पी ए अंडर कंडीशन ई फोर, तो वहाँ पे वो ऐड कर दिया जाएगा, जिसकी प्रॉपर्टी निकालेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे ई थ्री अंडर कंडीशन ए निकालना है, तो यहाँ पे थ्री, यहाँ थ्री, यहाँ थ्री, और जो बचेगा सब कुछ टोटल प्रॉपर्टीज जितने भी आपके पार्टीशन होंगे वो सब इसके नीचे यहाँ पे ऐड करके लिख लिए जाएंगे। तो इस तरह से ये बेस थ्योरम का प्रूफ ही हो गया और उसको आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे तीन वीडियो में आपका पार्टीशन, टोटल प्रॉपर्टी और बेस थ्योरम ये कंप्लीट किया। इसके बाद अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा उसमें हम लोग बेस थ्योरम और टोटल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चन में बताएंगे कि बेस थ्योरम और टोटल प्रॉपर्टी में डिफरेंस कैसे हम लोग समझें। ये भी तो प्रॉब्लम है कि आप क्वेश्चन दिया गया तो उसको बेस थ्योरम सॉल्व करना है कि टोटल प्रॉपर्टी पूछी गई है, तो वो भी आपको बताएंगे। उसके लिए बस आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो आने तक। तब तक के लिए आपको नमस्कार, हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।